तो हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लग रहा हूँ। तो गाइस, मैंने कई लोगों से सुना है कि जो आधार अपडेट करना चाहते हैं वो बोलते हैं भाई, हमको जो आधार अपडेट करने के लिए जो आधार सेंटर जाना पड़ता है, वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं लंबी लाइन होती है। उस लाइन में खड़े होकर आपको अपनी बारी आने तक वेट करना पड़ता है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी अपनी बारी के लिए लाइन में आधार सेंटर में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ सत्य और आप देख रहे हैं टेक एक्सेल। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, अभी यहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना है UIDAI। यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये जो पहला वाला लिंक है उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं ऐड और अपडेट योर मोबाइल नंबर इन योर आधार, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो गेट आधार आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ बुक अन अपॉइंटमेंट लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद अगर आप जो इन सिटी में रहते हैं, ये जो सिटीज है इन सिटीज में कहीं रहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करना है। अगर उन सिटीज में नहीं रहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ आ गया है। अब मैं अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा देकर लॉगिन करता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने अब लॉगिन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर, अगर आपको न्यू एनरोलमेंट के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए तो यहाँ पर आप न्यू एनरोलमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर आपका आधार अपडेट करना है तो फिर अपडेट आधार पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अपडेट आधार पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आ गया है डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट, गार्डियन और रिलेशनशिप प्रूफ बेस्ड अपडेट HOA। मैं डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं अपना आधार नंबर और नेम यहाँ लिख देकर क्या मुझे अपडेट कराना है आधार में, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। मैं यहाँ पर अपना नेम और आधार नंबर ले लेता हूँ। तो गाइस, मैंने अपने लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया है। वहाँ जो मैंने अपडेट किया, मुझे क्या करना था, आधार नंबर दे दिया और उसके बाद सेव सेव दो बार मार दिया और ये हो गया है, एप्लीकेशन मेरा क्रिएट हो गया है। अब हमको क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट ऊपर क्लिक करना है। बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने से पर यहाँ आ गया और सर्च बाय पिन कोड भी आ गया, सर्च बाय सेंटर नेम भी आ गया है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस विलेज टाउन सिटी देकर आप सर्च कर सकते हैं। मैं पिन कोड से सर्च करूँगा। यहाँ हमारा ये HDFC बैंक आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 76 स्लॉट्स अवेलेबल है। मैं यहाँ बुक अपॉइंटमेंट ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ इस डेट्स में अपॉइंटमेंट है, मैं एक डेट चूज कर लेता हूँ, 3:30 बजे। सबमिट कर देता हूँ। यहाँ 50 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा एट सेंटर में, और ये मैं कंफर्म मार दिया, कंफर्म होते ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज, उसके बाद एक स्लिप निकलेगा, उस स्लिप को आपको डाउनलोड कर कर प्रिंट आउट एक निकाल लेना है और उसको आधार अपडेट सेंटर में ले जाना है। वो उसको देकर आधार अपडेट कर देंगे आपका। तो गाइज, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।